ग्रामीण किसान मजदूर समिति जीकेएस प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह राजू, अनूपगढ़ जिला अध्यक्ष राजा हेयर, उपाध्यक्ष रखपाल सिंह, महासचिव वीरदीप सिंह, ब्रह्मदीप खक, राकेश जागू, विशाल सिंह, गुरविंदर जाखड़, राम कुमार सहारण, अरविंद बिश्नोई, अजीत पालगिल, जितेंद्र सेखों, हरकरण चहल, मुश्ताक खान, नंदलाल, धनाराम बिश्नोई, लखबीर सिंह, देवेंद्र चौधरी, गुरजीत सिंह, सुखचैन सिंह आदि किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन आज जिला कलेक्टर अनूपगढ़ को दिया। ज्ञापन में किसानों की मांगे सरसों चना सहित सभी कृषि जिंसों की खरीद एमएसपी के तहत की जाने की मांग। आईजीएनपी की नहरबंदी 15 मार्च को ना लेकर 15 अप्रैल को ली जाए। आईजीएनपी सिंचाई पानी आगे वाला ग्रुप 4 में 2 के हिसाब से सिंचाई पानी चलाया जाए। इंदिरा गांधी नहर की हरीके से 0 से 20 RD का टेंडर करवाकर निर्माण करवाया जाए ताकि नहर को पूरा पानी मिल सके। आईजीएनपी के प्रथम चरण में सीआईडी के तहत पुण्य पक्के खालों का निर्माण करवाया जाए। अनूपगढ़ व सूरतगढ़ ब्रांच की वितरिका का पूर्ण निर्माण करवाया जाए। खेत में बनी डिग्गियों की राशि जारी की जाए। 2022-23 की सरसों फसल खराबे का मुआवजा तुरंत प्रभाव से वितरित किया जाए। नरमा खराबे का मुआवजा दिया जाए। बीटी नरमे के नकली बीज बंद हो, किसानों को जांच कर सही बीज उपलब्ध करवाए जाए। बैंकों द्वारा किसानों की जमीन नीलामी बंद की जाए। रावला में क्रय विक्रय द्वारा खरीद की गई, पिछले वर्ष की सरसों का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। श्रीमान आपसे निवेदन है कि निम्न मांगों को तुरंत प्रभाव से लागू करवाया जाए।